आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं मिसेस अली शादी ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आज हम आपको रिप्लाई देंगे कि हम अपनी सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं और शादी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। मिसेस अली, आप मुझे ये बताएं कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कितनी तरह की सर्विसेज इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है। Right now we are offering three types of services. First, from our website shaadi.org.pk. Second, paid personalized services. And third one for our elite clients. Elite rent money, it is very different. हम यहाँ पे अपने उन elite clients को upper class families को deal करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट की सर्विसेज। वेबसाइट पे कोई भी कैंडिडेट अपने अकाउंट को रजिस्टर करके 24 आवर्स में अप्रूवल के बाद उस अकाउंट को यूटिलाइज कर सकता है। वो सर्विसेज पर्सनलाइज नहीं होती, उसमें उनको खुद ही अपने अकाउंट को मैनेज करना होता है। वहाँ पे हमारे कुछ वेरिफिकेशन के पॉइंट हैं। अगर आप उन वेरिफिकेशन के पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोफाइल हमारे हैंड से वेरीफाई कर दी जाती है। नंबर टू, सेकेंड सर्विस, पर्सनलाइज मैचमेकिंग। पर्सनलाइज सर्विसेज में मैच मेकर आपको घर बैठे मयारी रिश्तों की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आप घर बैठे अच्छे रिश्ते का अपने लिए इंतखाब कर सकते हैं। थर्ड वन, इलीट मैट्रिमोनी। इलीट मैट्रिमोनी में हमारे ज्यादातर क्लाइंट अब्रॉड, पंजाब और सिंध से रजिस्टर्ड, जिसमें उनकी कैटेगरीज, उनकी प्रोफाइल बहुत हाई क्लास है, जिसमें वो हम लोगों से पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। बट इट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे हम फैमिली स्टेटस को बहुत ज्यादा हाई ले जाते हैं, तो हाई प्रपोजल इलीट क्लास पे रजिस्टर्ड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच मिसेज अली। अच्छा, आप अब मुझे ये बताएं कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने का क्या तरीकेकार है। इट इज वेरी इजी। आप shaadi.org.pk की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे दिए गए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अपनी प्रोफाइल वहाँ पे अलोंग विद रीसेंट पिक्चर्स और रिक्वायरमेंट के साथ शेयर कीजिए। कंसल्टेंट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से पहले आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। फ्री काउंसलिंग में हम उन नकात पे डिस्कस करते हैं जिसपे आप कितने टाइम ड्यूरेशन में अपने लिए एक बेहतर डिसीजन का इंतखाब कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपको कितने मंथ की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी और बहुत कुछ। ये सारी सर्विसेज रजिस्ट्रेशन से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपको पता हो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होते हैं तो शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान किस तरीके की खदमात फराहम करें। इससे आपके आगे के सफर में बहुत आसानी होती है। मिसेस अली, आप मुझे ये बताएं कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की नुमाइंदा को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे भरोसेमंद और 20 साल पुरानी सर्विसेज है। लोग हमारे जैसे बनने की कोशिश तो कर रहे हैं और हमारे मिलते जुलते नामों से भी वेबसाइट्स और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज को यकीनी बनाइए कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नंबर्स उनकी वेबसाइट shaadi.org.pk पे रजिस्टर्ड और मेंशन है। आप सिर्फ उन्हीं नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जो नंबर्स वेबसाइट पे मेंशन, और वेबसाइट पे जो नंबर्स मेंशन है वहाँ सब ऑफिशियल नंबर्स की ऑफिशियल टाइमिंग्स और उनके डीपीस उनके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप मेरे ऑफिशियल नंबर 03452444262 पे कॉन्टेक्ट करके किसी भी सिलसिले में उस चीज को, उस पॉइंट को क्लेरिफाई और वेरीफाई कर सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बाकी दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट पे काफी सारी डिटेल्स हैं जिससे आपको समझने में और हमारे साथ चलने में आसानी होगी। मिसेस अली, आप मुझे ये बताएं कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मैचमेकिंग डिपार्टमेंट और कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में क्या फर्क है। रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज कल घरों से या फिर नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। शादी ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि मैच मेकिंग के लिए आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट शुड बी ऑन योर मैच मेकिंग। हमने अपने मैच मेकिंग डिपार्टमेंट में आपके लिए सिर्फ वो मैच मेकर्स हायर किए हैं जो कि 9 आवर्स आपके लिए सिर्फ मैच मेकिंग करती है। कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट आपके केस को अंडरस्टैंड करके आपको बेहतर गाइड करके आपके केस को रजिस्टर करता है। आपके केस फिर हमारे shaadi.org.pk मैच मेकर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। वहाँ पे मैच मेकिंग आपके लिए स्टार्ट कर दी जाती है और मैच मेकर्स आपको ऑफिस में बैठ के प्रॉपर तरीके से मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको मयारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
मिसेस अली, आप मुझे ये बताएं कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में क्लोजिंग का क्या तरीकेकार है। उसके लिए सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन के बाद सर्विसेज को कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद वो अपनी प्रोफाइल को मैच मेकर्स के पास रजिस्टर्ड करवा। शादी ऑर्गेनाइजेशन की मैच मेकिंग के बाद नॉर्मल प्रोसेस 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ और वो क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं या जिनके पास टाइम होता है वो अपनी सर्विसेज को 8 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स के लिए रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसी के साथ साथ वो अपनी सर्विसेज को इन माह में कंटिन्यू रखते हैं और रिश्ता डन हो जाने के बाद हमारी रिमेनिंग अमाउंट को पे करके अपना रिश्ता यहाँ से डन करवा सकते हैं। रिश्ता मिलना हो आसान, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान।